ऐसे ही बहुत से लोग ताजिया करते हैं, अलग उठाना और घोड़े की ऐसी शक्ल बनाना, और उसमें यह समझना कि हजरत हुसैन आ रहे हैं, हजरत फातिमा आ रही है, रसी अल्लाह तआला अजमाइन, हजरत फला इब्न अब्बास आ रहे हैं, हजरत हसन आ रहे हैं, हजरत अली आ रहे हैं, हर एक के नाम का अलग अलग आलम और झंडा बनाकर उसे लेके घूमना झूमना, और उसमें शराबी लोग रहते हैं, शराब पी के अंगार में कूद जाता है और कहता है कि हुसैन आ गए, नाउस बिल्ला हुसैन शराबी के जिस्म में आ जाए, ये हिंदुओं का अकीदा है। कोई आत्मा किसी में आ जाती है, किसी की आत्मा किसी में आके कुछ बोल रही है, हजरत हुसैन रसी अल्लाह तआला जन्नत के बाग व बहार छोड़ के शराबी के जिस्म में आएंगे। हजरत हुसैन रसी अल्लाह तआला से सच्चा इश्क है तो हजरत हुसैन रसी अल्लाह तआला करबला के मैदान में एक वक्त की नमाज कजा नहीं फरमाई है, दुश्मन सामने है, यजीद का लश्कर सामने है, उसके बावजूद हजरत हुसैन की एक नमाज कजा नहीं हुई है, एक नमाज जमात से ना छूटी है, वजू करके एहतमाम से नमाज अदा फरमाते थे। सच्चे आशिक तो वो है जो तलवारों के साए में नमाज अदा कर रहे हैं, और कैसे हजरत हुसैन की नमाज कजा हो सकती है? जब हुसैन पैदा हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया गया तो अल्लाह के नबी ने दाएं कान में अजान दी, बाएं कान में इकामत दी, और खजूर चबा के हजरत हुसैन के जबान पे लगाया, जिसके कानों में सरकार दो आलम की अजान, जिसके कानों में सरकार दो आलम की इकामत, और जिसकी जबान पे पहला लुक्मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब लगा हो, उसकी वो अजान सुनने के बाद नमाज कैसे छोड़ सकता है? उसकी जबान से हक के अलावा कोई और जुमला कैसे निकल सकता है? बातिल के आगे कुर्बान हो गए, जाने कुर्बान कर दी, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है। और जब छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो रहे थे, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला खीमे से निकल कर हजरत अली असगर छोटा बच्चा शहीद होने पर बेकाबू होकर खीमे से बाहर निकलने लगी, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हाथ पकड़ के खीमे के अंदर किया, बच्चे की लाश आंखों के सामने तड़प रही है, उससे खून का फवारा निकल रहा है, और माँ देख के तड़प रही है, खाला देख के तड़प रही है, उसके बाद भी हजरत हुसैन हाथ पकड़ के अंदर भेज रहे कि पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, मौत का मंजर सामने है, फैमिली आंखों के सामने कट रही है, लेकिन घर की खातून पे पर्दा नहीं होगी, घर की औरत पे पर्दा नहीं होगी। वो पर्दा हजरत हुसैन ने जंग के मैदान में कायम करके दिखाया, अगर तुम सच्चे आशिक है रसूल और अपनी बेटी को पर्दा करके दिखाओ, अपनी बीवियों को पर्दे में रख के दिखाओ, आजाद जींस और टी शर्ट पहनाकर ऊपर से लचकीला और भड़कीला बोर्का पहनाकर कॉलेज भेजते हुए शर्म नहीं आती, और फिर हजरत हुसैन से मोहब्बत के दावे और नारे लगाते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए। हजरत हुसैन ने मैदान जंग में क्या पैगाम दिया? नमाज कायम करने का पैगाम, पर्दे का पैगाम, और हक के सामने डट जाने का पैगाम। हम बातिल के आगे सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, बातिल के आगे सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, वो पैगाम हजरत हुसैन ने मैदान जंग करबला के मैदान में दिया। ये सब छोड़कर पेट पालने के काम, पेट भर के खाने के काम, सभी ने लगाकर शरबतें पीते रहो, दावतें करके बिरयानियां खाते रहो, और फिर उसे हजरत हुसैन के नाम की तरफ मंसूब कर दो, और उसे मेयार बना दो इश्क का, कि ये इश्क का मेयार है, जो जितने प्लेट बिरयानी खाएगा वो बड़ा आशिक होगा, जो जितने शरबत गिलास में चढ़ाएगा वो उतना आशिक होगा, इसे मेयार बनाया है मुसलमान। जो वो सभी नहीं लगाते हैं, वो शरबत नहीं बांटते हैं, वो हमारी शरबत नहीं पीते हैं, वो खाना नहीं खिलाते हैं, ये नहीं करते, जो हॉस्पिटलों में गरीब पड़े हैं बीमार उन्हें जाके खिलाओ, जिनके घरों में राशन नहीं है, बेवा औरत है, वो अपने यतीम बच्चों के लिए परेशान है, उसके घर राशन पहुंचाओ, ये सब काम नहीं करेंगे, बस रस्म और रिवाज जिंदा करने के लिए, काफिर और मुशरिक और शैतान का साथ देने के लिए एक नए नए रसूमात घड़ेंगे जिसमें हजरत हुसैन का कोई दखल नहीं। मुसलमानों योम आशुरा का पैगाम यह है कि अपने घर वालों पर वसात करो, वसात करने में गुलू नहीं है कि सड़कों पे सबीले लगा दिए और खाने खिलाने लगे, फला करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन की शहादत से पहले ही खबर दे दी गई, वो मिट्टी करबला की हजरत जिब्राइल लाके अल्लाह के नबी को दिखाए कि इस ये मिट्टी करबला की है, यहाँ आपके नवासे रसूल को नवासे को शहीद किया जाएगा। हजरत इब्न अब्बास अपना ख्वाब सुनाते हैं, चार ग्यारह बारह बजे के टाइम लेटे हुए हैं, अचानक उठ गए, कहा अभी अल्लाह के नबी को
मैंने ख्वाब में देखा है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और बाल गुमानारों ने धूल पड़ी हुई है, तेजी से घोड़े पर सवार होके जा रहे हैं। मैंने पूछा या रसूल इतना तेज तेज कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न अब्बास मेरा नवासा करबला में शहीद हुआ, उनके साथियों को देखने जा रहा हूँ, मेरे नवासे को देखने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में वो मंजर बयान कर दिए जो उनके नवासे के साथ किया गया। ये सब कुछ गवारा है बातिल के सामने, लेकिन कभी अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के अल्लाह मेरे नवासे को बचा ले, दीन फैलाने का कोई और रास्ता आप बना दे, लेकिन मेरे नवासे की जान न जाए ये नहीं मांगा। कि इस आले रसूल को कुर्बान होना है और रसूल का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में पहुंचना है। इन आले रसूल ने और अहले बैत ने कुर्बानियां देकर अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और आज भी बड़े से बड़ा दीन का काम अगर होता है तो सच्ची बात यह है कि वो अहले बैत से होता है, नबी के खानदान से होता है, या नबी के खानदान से जो जितना करीब होता है, आले बैत से आले रसूल से जो जितना जुड़ जाता है, जो उनसे मोहब्बत करता है, जो उनसे इश्क करता है, अल्लाह उससे काम लेते हैं। आले रसूल से नफरत हो, उनके तौर तरीके से नफरत हो, उनकी जिंदगी उनके उनके रहन सहन से नफरत हो, और फिर दावे हो कि हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, आले बैत से मोहब्बत करते हैं, या इस थोड़ी मोहब्बत होती है आले बैत से। इस वास्ते बुजुर्गों रस्म रिवाज को छोड़ो, होश के नापन लो, अकल से काम लो कि हम जो कर रहे हैं क्या ये वो काम है जो हमें करना चाहिए। इधर गणेश चल रहा है, वो लोग भी पार्टियां कर रहे हैं, वो लोग भी देखो आज पका रहे हैं, और इधर आशुरा का मौका आया, इधर मुसलमान बना रहा है। कोई दूर से देखने वाला अगर देखेगा तो क्या फर्क है तुम में और उनमें, ये भी पका के पार्टियां कर रहा है और ये भी पका के पार्टियां कर रहा है, और ये अपने को मुसलमान कह रहा है या अपने को हिंदू कह रहा है, और काम दोनों के एक ही है, खिलाना पिलाना दोनों का एक ही है, दोनों के अकीदे एक ही दिख रहे हैं। इस वास्ते आशुरा के दिन कोई सबील नहीं लगेगी, कोई शरबत नहीं पिया जाएगा, कोई दावतें नहीं होंगी। इफ्तार के मौके पर रोजेदारों का इफ्तार कराओ, अपनी फैमिली और अपने खानदान वालों को उस्तत करो, अल्लाह उस उस्तत पर सवाब देंगे, उस पर अगले साल तक तुम्हारे घर में फाका नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। ये सहाबा का ताबईन का तजुर्बा शुदा अमल है, इस पर अमल किया जाए।